एक महल हो सपनों का। ऐसा क्यों होता है चंदू भाई कि हम दुनिया भर के लोगों के बारे में अच्छा भला सोचते हैं, करते हैं, लेकिन उनकी अच्छाई नजर नहीं आती जो हमसे बहुत करीब होते हैं? मतलब? मैं अनसुया के बारे में कह रहा था, उसकी कुछ बातें मैंने आज रियलाइज की। ऐसा होता है पुरुषोत्तम कि हम जिन पर निर्भर होते हैं उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सोचते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं अनसुया? ये बताओ पुरुषोत्तम कि आज अनसुया के बगैर तुम अपने आप को कहां और क्या पाते हो? मैं ऐसा क्यों सोचूं जबकि वो मेरे साथ है? देखा, तुम्हें ऐसा सोचना भी पसंद नहीं है। पुरुषोत्तम, हमारे दो संबंध ऐसे होते हैं, एक माँ और दूसरी बीवी। जब हम बच्चे होते हैं तब माँ पर निर्भर होते हैं, तब माँ के बारे में सोचते नहीं। जब खुद पर निर्भर होते हैं तभी माँ के बारे में सोचते हैं। और बीवी के बारे में कब सोचते हैं? जब सब पर निर्भर होने की बारी आती है तब, बूढ़े हो जाते हैं तब। हाँ सनत, बोल क्या बात है? क्या वर्कर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? वेरी गुड, सब लोग काम पर आने के लिए तैयार हैं। अच्छा अच्छा, ये तो खुशखबरी है। एक काम कर, बाजार जा, मिठाई खरीद और फौरन घर आ जा। ओके। देखा ना, हमारी तरकीब कामयाब हो गई ना? बिल्कुल चंदू भाई, घर में भी और फैक्ट्री में भी। पर अब इस नाटक को और चलाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में सच बात बताने का वक्त आ गया है। आप सही कहते हैं चंदू भाई। कह दूं? हाँ हाँ, कह दो कह दो। मगर मैं जब ऐसा कहूंगी कि हमारा गरीब होना ये केवल एक नाटक था, तो सब पूछेंगे कि ऐसा नाटक क्यों किया। तो कह देना, हम तो सिर्फ तुम लोगों का इम्तिहान ले रहे थे। मगर मैं ऐसा जब कहूंगी तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, और अभी मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मेरी बहुएं मेरे बारे में बुरा सोचे। ओ हाँ, समझ गया समझ गया। तो एक काम करो, उनसे कहना कि मैं उनकी टेस्ट ले रहा था। हाँ, और दूसरी वजह भी बता देना। अब दूसरी वजह क्या है वो मैं खुद नहीं जानती, तो उन्हें क्या बताऊंगी? अरे दूसरी वजह ये थी कि अपनी फैक्ट्री में जो यूनियन प्रॉब्लम थी ना, उसको सुलझाने के लिए ये तरकीब की गई थी। अब तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अब तो अपने बंगले का काम भी शुरू कर देंगे। और सुनो, सब बहुओं को एक एक करके कहना और सबसे कहना कि तुम ही मेरी सबसे बेहतरीन बहू हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूं। क्यों? क्योंकि वो तुम पर खुश हो और तुम्हारे फेवर में वोट दे। कैसा वोट? अनसुया, मुझे सब पता है घर में क्या क्या हो रहा है। अरे मैंने तो एक माइक्रो मिनी का ऑर्डर भी दे दिया है। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानो। आप भी मेरी मजाक करते हैं। सॉरी, माफ कर दो। सिर्फ इस मजाक के लिए नहीं, बल्कि उन सारी गलतियों के लिए जो जिंदगी भर में करता आया हूं। कौन सी गलती? अनसुया, अब हर शाम को कुछ लम्हे मैं तुम्हारे साथ जरूर बिताऊंगा। वो सारे शब्द कहने, वो सारी तारीफें करने जो हमेशा मेरे मन में थी लेकिन मैंने कभी जाहिर नहीं की थी। जी। अच्छा जाओ जाओ, सबको अपने नाटक वाली बात बता दो। कैसे होंगे उनके चेहरे जब वो सच बात सुनेंगे? हाँ जी हाँ। रश्मि, मुझे तो पहले से ही ऐसा लगता था कि बाबूजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बाबूजी ने बताया तुम्हें? नहीं, बाबूजी ने तो नहीं बताया, लेकिन जब मैंने बाबूजी को अकाउंट्स के बारे में पूछा तो बात को टाल गए थे। तभी मुझे ऐसा लगा था कि बाबूजी भले ही क्राइसिस की बातें करें लेकिन बात कुछ और ही है। मुझे भी थोड़ा डाउट तो था, बाबूजी जिस तरह की क्राइसिस की बातें कर रहे थे वैसे टेंशन उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देता था। एनीवे, इस नाटक से हमें तो फायदा ही हुआ। हम दोनों तो उनकी एग्जाम में पास हो गए विद डिस्टिंक्शन। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि घर में जो फिजूल खर्च हो रहा था वो बंद हो गया। वो तो फिर से शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, पैसे सोच समझ कर खर्च करने चाहिए, क्या पता कल फिर कोई मुसीबत आ जाए तो। लेकिन मैडम, तुम्हारी बात मानेगा कौन? एनीवे, छोड़ो वो सब बातें, अब ये बताओ कि ये
प्ले स्कूल के बारे में तुम्हारा क्या आइडिया है? कंटिन्यू करना चाहती हो? हाँ हाँ जरूर करूंगी। एक्चुअली तो मैं मेडिसिन का कोर्स करना चाहती थी, होम्योपैथी का। लेकिन इस हालत में तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकती। शिखर, प्ले स्कूल से मेरा मन लगा रहेगा और कुछ करने का आत्मसंतोष भी मिलेगा। हाँ सो तो है। और पन्ना भाभी? उन्होंने भी हामी भर दी है, इससे तो उनका भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और वो भी व्यस्त हो जाएगी। शिखर, मुझे पूरा भरोसा है कि हम भी सोनल की तरह सक्सेसफुल होंगे। ऑल द बेस्ट। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि बाबूजी हम सबका टेस्ट ले रहे हैं तो मैं अपने सारे पैसे दे देता। इससे तो एक ही बात साबित होती है। वो क्या? कि बेवकूफी में तुम्हारा जवाब नहीं है। माइंड योर टंग पारो। मुझ पर बरसने की जरूरत नहीं है। बाबूजी को तुम्हारी असलियत का और नियत का पता चल चुका है, टेस्ट और नो टेस्ट। इंसान को अपने परिवार के सुख दुख के बारे में सोचना चाहिए। और तुम प्रमोद को वो पैसे दे आए, वो तो अच्छा हुआ बाबूजी ने वो पैसे निकलवा लिए, वरना हमें उन पैसों से हाथ धोना पड़ता। अब जले पर नमक मत छिड़को तुम। वैसे मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, पता तो चला कौन कितने पानी में है। और फिर ये भी सीखने मिला कि घर गृहस्थी चलाना क्या होता है। ये अनुभव क्या कुछ कम है? अनुभव तो अच्छा है, मगर हमें जो तकलीफ है सहनी पड़ी वो। दुख के बाद में जब सुख आता है ना, तब उसका मजा ही और होता है समीर। अब सत्संग करना छोड़ो प्लीज। यही जिंदगी की हकीकत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और फिर तुमने क्या खोया है? जो कुछ भी खोया है वो मैंने खोया है, तकलीफें मैंने उठाई है। वो रश्मि की बच्ची ने मेरे नाक में दम कर रखा था। और फिर ये पता तो चला मिडिल क्लास फैमिली में जीना क्या होता है। बाबूजी ने हमारा जो इम्तिहान लिया उसमें हम बहुत ऊंचे उतरे हैं, सिर्फ तुम्हारे स्वार्थी एटीट्यूड के कारण। मेरा स्वार्थ सिर्फ अपने लिए ही नहीं था, रिद्धि सिद्धि आपकी भी बेटियां हैं, उनके लिए 4 पैसे बचा कर रखना मैंने मुनासिब समझा। अब उनके भविष्य के बारे में हमें ही तो सोचना है। यानी बच्चों के भविष्य के बारे में सिर्फ माँ बाप को ही सोचना चाहिए, माँ बाप के प्रति बच्चों का कोई फर्ज नहीं बनता। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि कल को रिद्धि सिद्धि बड़ी होकर हमें भूल जाए, अपने बच्चों के बारे में सोचने लगे, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? लेकिन जवाब देने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। आप मेरी नस नस से वाकिफ हैं, फिर भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ना ही तुम्हें मैंने समझा है और ना ही समझ पाऊंगा। मैं जानती हूँ आपको मुझसे शिकायत है। बात शिकवे शिकायत की नहीं है पन्ना, तुम्हारी ये कहने से कि ये गहने नहीं दूंगी, वो पैसे नहीं दूंगी, इन सब बातों से बाबूजी को कितनी चोट आई होगी। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन जिस तरह होनी अनहोनी नहीं हो सकती, उसी तरह जो हो गया है उसे मिटाया तो नहीं जा सकता, पर भुलाया तो जा सकता है। मैं तो भूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाबूजी कभी नहीं भूलेंगे। He forgives, never forgets, never. जो लोग घर परिवार वालों का दुख सुख बांटना नहीं चाहते, उनके लिए बाबूजी के दिल में कोई जगह नहीं। मैं कोशिश करूंगी फिर से कभी ऐसा ना हो। मुझे बाबूजी के बारे में भी सोचना चाहिए था, पर एक बात वहीं की वहीं है, मैं अपनी बच्चियों के हक के आगे और कुछ भी सोच नहीं सकती। इसका मतलब वही है जो मैं समझ रहा हूँ। जी बिल्कुल, आज भी मैं रिद्धि सिद्धि के भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हूँ और उनके लिए हमेशा मैं रुपये और गहने बचाती रहूंगी। क्या लगा ना झटका? मुझे भी ऐसा ही हुआ था जब माँ जी ने मुझे ये बताया। लेकिन पारो भाभी, ये सब नाटक करने की वजह थी? कोई प्रॉब्लम फैक्ट्री में, जिसकी वजह से उन लोगों को ये नाटक करना पड़ा। और लगे हाथों अपनी टेस्ट भी ले ली। मतलब हम लोगों को कोई आर्थिक समस्या नहीं है? नहीं। और पता है ये आइडिया किसका था? किसका? चंदू काका का। चंदू काका? अपना पूरा घर थिएटर बनने लगा है। माँ जी अपने आप को बेस्ट मदर इन लॉ प्रूव करने में पड़ी है, और चंदू काका और बाबूजी ने मिलकर ये नाटक किया। और आप तो पहले से एक्ट्रेस हो। यस। वैसे मजा आया, जिंदगी में कुछ चेंज भी होना चाहिए। सब लोग कैसे पैसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। सब अपने पैसे, गहने, शेयर्स बाबूजी को देने वाले थे।
और तुम तो अपना एग्जीबिशन भी कैंसिल करने वाली थी, क्यों? हाँ, लेकिन थैंक गॉड सब अच्छा हो गया, सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ ग्रैंड एग्जीबिशन करूंगी। माजी को मिनी स्कर्ट पहना कर। भाभी, you're so mean। लेकिन चंदू काका जितनी मीन नहीं हुआ, वो मुझसे कई ज्यादा चालाक है। सुनल, अब मैं पैसे उड़ाने वाली हूँ। क्यों? कितने दिनों से पैसे खर्च ही नहीं किए, कितने दिनों से मैं एक्सपेंसिव होटल्स में नहीं गई, एक्सक्लूसिव गार्मेंट्स नहीं पहने। तो एक काम करो, मेरे एग्जीबिशन तक रुक जाओ। क्यों? बाद में साथ में एंजॉय करेंगे। नहीं यार, मैं नहीं रुक सकती, मैं ना अभी बहुत पैसा खर्च करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू फ्रीक आउट बेबी। पता नहीं चंदू काका के दिमाग में ये सब आइडियाज आते कहां से हैं। गॉड नोस, अमेरिका से इंपोर्ट करते होंगे। समीर, तुमने एक चीज मार्क की, इतने साल अमेरिका रहने के बावजूद भी चंदू काका में देसीपन बहुत है। अब भी उनकी सोच बहुत देसी है। नहीं, देसी हो या अमेरिकन, द होल आइडिया इज वेरी नास्टी, वेरी नास्टी। सब कितने हैरान परेशान हो गए थे। ये खर्चे मत करो, वो खर्चे बंद करो, पैसे दो, गहने निकालो, नॉनसेंस। तुमने कहा दिए थे? लेकिन नहीं, मतलब मैंने कहा तारू से कि मंगवाते हैं बैंगलोर से, मगर शायद वो आए नहीं ना बैंगलोर से। होता है, नो प्रॉब्लम। तुम्हारी टेंशन तो दूर हो गई ना। क्यों, आपको टेंशन नहीं? नहीं, उतनी कोई खास टेंशन नहीं थी, क्योंकि आई वाज श्योर हम लोग ये टेंशन सब साथ में मिलकर दूर करेंगे ही। खास करके मुझे बाबूजी पर भरोसा था, वो इतनी जल्दी टूटने वाले इंसानों में से है नहीं। एंड आई एम हैप्पी कि आज फैक्ट्री की स्ट्राइक खत्म हो गई, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। सुनील बेटा। बाबूजी, आप यहाँ? क्यों, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता? नहीं नहीं, आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। तुम जरूर आती बेटा, लेकिन जो बात मैं कहने आया हूं उसके लिए मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए। क्यों बाबूजी, मुझसे कोई भूल हुई है? नहीं, भूल तो मुझसे हुई है तुम्हें पहचानने में, या तो यूं कहूंगा कि अपनी कोशिशों से तुमने अपनी पहचान बदल दी है। ये तुम्हारे लिए। यू आर आर बेस्ट बहू। बाबूजी, ये मेरे लिए है? हाँ, तुम हमारी सबसे अच्छी बहू हो। लेकिन बाबूजी, पन्ना भाभी, पारो भाभी, रश्मि भाभी, इन सब के रहते हुए मैं कैसे? ये तो सबसे बड़ी बात है कि इन सब के रहते हुए हमारी नजरों में तुम सबसे अच्छी बहू हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सबने कुछ न कुछ किया है। पन्ना और रश्मि ने घर में पैसे बचाने की मेहनत की, अपने गहने दिए, पैसे दिए। पारो ने भी गद्दारी नहीं की, उसका रवैया भी काफी सपोर्टिव रहा। मैंने भी वही किया है, कुछ ज्यादा नहीं किया। सुनल, तुम्हारे लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था। कितने सालों से मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन जितना पर्सनल डेवलपमेंट मैंने तुम्हें देखा है और किसी में नहीं देखा। मुश्किलों से जिस तरह तुमने रास्ता निकाला है, बहुत कम लोग निकाल पाते हैं। आपके जितना संघर्ष तो किसी ने नहीं किया होगा। ये सही है कि मैंने जीरो से शुरुआत की, लेकिन तुम तो माइनस थी सोनल, माइनस। तुम्हें देखकर मेरी पहली इंप्रेशन ये थी कि इस लड़की का जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। सच बात है बाबूजी, मैं ऐसी ही थी, बेवकूफ। पर जिस तरह इस बेवकूफ लड़की ने मुश्किलों से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए एग्जीबिशन किया, फिर परिवार को संकट से बचाने के लिए दूसरा एग्जीबिशन कैंसिल किया, पैसे बचाए, एग्जीबिशन का प्रॉफिट हमें दिया, इसीलिए बेवकूफ लड़की हमारी नजरों में बहुत सयानी हो गई। बुके में आगे पढ़ो क्या लिखा है। फ्रॉम अनसुया एंड पुरुषोत्तम टू आवर डियरेस्ट सन। बाबूजी, इस पर तो आपने गलती से सन लिख दिया है। गलती से नहीं, जानबूझकर लिखा है बेटा। सोनल, जब तुम इस घर में आई थी तब हमारी बहू थी, अभय के जाने के बाद मैंने तुम्हें बेटी माना, और अब आज के बाद तुम हमारा बेटा हो। मैं वादा करता हूं मैं वो सारी खुशियां तुम्हें दूंगा जिसे अब तक तुम दूर रही, ये मेरा वादा है। सनत, ये स्टेटमेंट चेक कर लो और मुझे फाइनल फिगर बताओ, मेरी आंखें दुख रही हैं। ओ बाबूजी, मगर आपको एक बार देखना तो पड़ेगा ही। बोलो। एक मिनट,
ये शेखर का सोना ओके शेखर का कैश ये ओके शेखर के शेयर सर्टिफिकेट्स और मेरे शेयर सर्टिफिकेट्स मेरे पैसे पन्ना के गहने ओके और रश्मि के गहने बाबूजी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ बाद में आना मैं अभी बिजी हूँ बाबूजी आपने मेरे पैसे जो प्रमोद के पास से आए हैं होल्ड इट प्रमोद के पास से आए नहीं मेरे आदमियों ने उगलवाए हाँ बस वही बाबूजी पर वो पैसा तो मेरे हैं ना बाबूजी आप मुझे कब लौटा रहे हैं तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो बाबूजी वो मेरी मेहनत के पैसे हैं शट अप पर बाबूजी मैं वो पैसे आपको देने ही वाला था लेकिन क्या करूं लास्ट मोमेंट पे प्रमोद ने इनकार कर दिया इसलिए नहीं दे पाए थे कोई बात नहीं मैं समझूंगा तुमने पैसे दे दिए और मैंने ले लिए यू कैन गो नाउ सनत आगे लेकिन अब तो हमें रुपयों की कोई जरूरत नहीं है ना रुपया एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत सभी को होती है और हर वक्त होती है रुपया जितना भी मिले उतना कम होता है मैं कुछ समझा नहीं समझे नहीं या समझना नहीं चाहते देखो मुझे रुपयों की जरूरत है मजदूरों को बोनस देना है उनकी तनख्वाह बढ़ानी है उसमें खासी रकम लग जाएगी प्रमोद के पास से आए हुए पैसे तुम भूल जाओ जाओ खुली हवा में सांस लो तबीयत ठीक रहेगी हाँ तो हम कहां थे सर मुझे आपकी शिष्या बना लीजिए चंदू काका वाह क्या आपका आइडिया था ब्रिलियंट हमारी तरकीबें हमेशा ऐसी ही होती है बेटी एक तीर और दो शिकार प्लास्टिक फैक्ट्री का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और घर के लोगों की परख भी हो गई यू सिंपली हैव अ ब्रिलियंट माइंड पता है आपका दिमाग ना शकुनी के जैसे तेज भागता है शकुनी मत कहो बेटी शकुनी मत कहो तुम तो शकुनी मत कहो वो राजू मुझे नारद मुनि कहता है और तुम कहती हो शकुनी मेरी शिष्या बनना है या नहीं सॉरी 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 फिर से ऐसी गलती कभी नहीं होगी चाचा मुझे ना सिर्फ आपके एक आइडिया की जरूरत है एक आइडिया की मेरे आइडिया की तुम्हें क्या जरूरत तुम खुद भी कुछ मंथरा से कम नहीं मंथरा को ना चाचा जी राम और सीता का सामना करना पड़ा था जबकि मुझे तो सुरपणखा का सामना करना पड़ रहा है वो रश्मि को मुझे मजा चखाना है पता है वो कहती है कि पहले के रिस्ट्रिक्शन अभी भी चालू रहने चाहिए अच्छा ये बताओ गुरु दक्षिणा क्या दोगी चाचा जी अब मैं आपको क्या दे सकती हूँ बाबूजी जैसे बाबूजी जब आपके हाथ में हो तो मेरी क्या हैसियत है मुझे सिर्फ एक आइडिया की जरूरत है एक आइडिया अरे पर बेटी तरकीबें मैं कोई जेब में लिए थोड़े ही घूमता हूँ जरा सोचने दो अगर तरकीब रश्मि पर लड़ानी है तो मुझे भी मजा आएगा अच्छा बालिके निश्चिंत रहो ये गुरुदेव तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा बोलो दधू पप्पू चंदू काका की धर्म धुरंधर परम पूज्य धर्म धुरंधर परम पूज्य चंदू काका की जय